रोटी सब्जी खाने का मन ना हो तो बस 5 मिनट में फटाफट ये हेल्दी नाश्ता बनाकर तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। तो अभी हमें हो सकता है थोड़े से आटे की और जरूरत पड़े, तो पहले हम 1 कप ही ले रहे हैं, बाद में जरूरत पड़ेगा तो और लेंगे। और 1/2 कप चावल का आटा। आप चाहे तो ये नाश्ता सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा चावल का आटा डालती हूँ जिससे ये और ज्यादा कुरकुरा बनेगा। इसमें डालेंगे महीन वाले ग्रेटर से ग्रेट किया हुआ गाजर। ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा डाल दी हूँ जिसे देखने में भी अच्छा लगता है और स्वाद भी बढ़ जाता है। और इसमें आप अपनी पसंद की दूसरी सब्जियां भी डाल सकते हैं, लेकिन एकदम फाइन चॉप करके या फिर एकदम फाइन वाले ग्रेटर से ग्रेट करके डालिएगा। थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया पत्ती, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, इसी के साथ में डाल देंगे 1.5 छोटा चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला और लगभग 1/2 छोटा चम्मच पिसा हुआ अजवाइन। आप चाहे तो साबुत अजवाइन भी ले सकते हैं क्रश करके। इसमें सभी चीजों की मात्रा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, लगभग 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसमें हम हरी मिर्च भी डाले हैं तो तीखा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिएगा। छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। तो बस सारी चीजों को पहले हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और अब इसको रखेंगे साइड में। अब मैं यहाँ पर ली हूँ 4 पीस उबला हुआ अरवी। इसको बहुत सी जगह घुइया बोला जाता है, कच्चू बोला जाता है, तो आप लिखकर बताइएगा कि आप यहाँ इसको क्या बोलते हैं। इसको हम पहले खूब अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे और उसके बाद छील लेंगे और फिर इस तरह से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं। जब अच्छे से बॉयल रहेगा तो बहुत आसानी से मैश हो जाता है। इसमें लंप नहीं रहना चाहिए, खूब अच्छी तरह से इसे हमें मैश कर लेना है। तो इस तरह से हम इसको मैश कर लेंगे। अब ये मिक्स किया हुआ आटा थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे और इसका हमें डो तैयार करना है। तो एक साथ पूरा आटा नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालिएगा, बहुत ज़्यादा आटा नहीं लेंगे एक साथ में, क्योंकि इसमें हमें पानी का यूज नहीं करना है। बस अरवी में जितना आटा आसानी से लग जाएगा उतना ही आटा डालना है, और फिर अगर ज़रूरत लगता है तो बाद में गेहूं का या फिर चावल का और आटा ले लीजिएगा। तो जितना आटा मैं ली थी पूरा इसमें डाल दी हूँ, मेजरमेंट एकदम सही है। तो आप अरवी के हिसाब से आटा की मात्रा कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो इसमें देखिए पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। तो इस तरह से आप मसलते रहेंगे तो इसका टाइट डो तैयार हो जाएगा। इस तरह से हम इसका टाइट डो तैयार कर लेंगे। इससे हम बना रहे हैं पूड़ी। तो आपको जिस साइज की पूड़ी बनानी है उतनी छोटी छोटी लोई तोड़ लीजिए। एक लोई लेंगे, थोड़ा सा तेल लगाएंगे और पूड़ी के जैसा इसको बेल लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा पतला नहीं करेंगे और ना ही बहुत ज्यादा मोटा। तो इस तरह से मैं इसको रखी हूँ। तो इसी तरह से सारी पूड़ियां बेलते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। इसको फ्राई करने के लिए तेल मीडियम गरम चाहिए और मीडियम फ्लेम पर फ्राई भी करेंगे, क्योंकि मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से ये कुरकुरी भी हो जाएंगी। तो लीजिए, हमारी बहुत ज्यादा हेल्दी और टेस्टी अरवी और आटे की पूड़ी बनकर तैयार हो गई है। वैसे अगर आप इसको और ज्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इससे पराठे बना सकते हैं या फिर रोटियां भी बना सकते हैं। और इसको हमें गर्मा गर्म ही खाना है, क्योंकि ठंडी होने के बाद थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। इस गर्मी में जब भी आपको रोटी और सब्जी बनाने का मन ना हो तो फटाफट इस तरह से पूड़ियां बनाइए और इसको अपनी मनपसंद अचार चटनी के साथ खाइए या फिर चाय के साथ भी खा सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत जल्द फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।